एग्जाम्पल नंबर दो को सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे तो एग्जाम्पल नंबर दो से आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा अवकल समीकरण ज्ञात करना क्योंकि इसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड है जो अभी आपको समझ में आएगा यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ त्रिज्या ए वाले सभी वर्त का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए तो यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है त्रिजा ए होने चाहिए यानी कि वर्त की जो त्रिज्या है इसने पिक्स कर दी तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आएगी पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ कुछ वर्त बनाता हूं उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने चार वर्त बनाया यहाँ पे इसकी सबकी त्रिज्या यहाँ पे क्या है ए है यहाँ पे इसकी त्रिज्या ए है इसकी भी त्रिज्या यहाँ पे आप देख सकते हो ए है और ये जो है इसकी भी त्रिज्या क्या होगी ए होगी और ये जो है लास्ट वाला इसकी भी त्रिज्या हमारे पास ए हो गई तो यहाँ पे आप देख सकते हो सभी ये जो चार वर्त दिख रहे हैं आपको चारों वर्त आपको अलग अलग जगहों पे दिख रहे हैं यानी कि इसका देखो ये केंद्र से इस तरह से है ये वाई एक्स को स्पर्श कर रहा है ये जो है एक्स एक्स को स्पर्श कर रहा है ये भी एक्स एक्स को स्पर्श कर रहा है ये एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों को स्पर्श कर रहा है ये वाला और ये वाला वाई एक्स को स्पर्श कर रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हो त्रिज्या तो सबकी ए है लेकिन सब अलग अलग तरह से बनी हुई है तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है यहाँ पे लिखा हुआ है कि त्रिज्या ए होनी चाहिए त्रिज्या ए कैसे भी हो सकती है ये वर्थ कहीं पे भी हो सकता है लेकिन इसकी त्रिज्या हमेशा फिक्स रहेगी तो इसका केंद्र क्या हो रहा है केंद्र इसका बदल रहा है बार बार देखो यहाँ पे केंद्र यहाँ पे आ रहा फिर यहाँ पे देखो पे इस यहाँ पे केंद्र इस तरह से इस साइड में आ गया और यहाँ पे केंद्र देखो इतना सा बदल के इस तरह से बन गया और यहाँ पे केंद्र ऐसा बना कि ये बराबर हो गया यहाँ पे इसका केंद्र क्या बन गया ए ए हो गया यहाँ केंद्र ए ए तो यहाँ आप देख सकते हो इनके केंद्र बदल रहे हैं तो मैं ऐसा मान लेता हूँ इनका केंद्र क्या है एच के मान लिया मैंने इसका केंद्र तो यहाँ पे देखो केंद्र बदलेगा यहाँ पे अलग हो जाएगा इसका केंद्र तो एच और के क्या होगा बदलेगा यहाँ पे एच के बदलेगा लेकिन ए ए नहीं बदलेगा ए फिक्स हो चुका है ए हमेशा ए ही रहेगा तो यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो ये इक्वेशन आएगी इस तरह से वर्ध का समीकरण लिखना है वो तो आपको आता होगा वो कैसे लिखते हैं एक्स माइनस केंद्र के निर्देशांक एक्स कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है एच है फिर यहाँ पे आएगा वाई माइनस वाई कोऑर्डिनेट किसका केंद्र का केंद्र का वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या के है? है और फिर यहाँ पे आती है आर यानी कि त्रिज्या की, की पावर टू तो यहाँ पे त्रिज्या हमारे पास क्या है ए है तो और ये इक्वेशन इक्वेशन नंबर वन है ये इक्वेशन नंबर वन कैसे बनती है इसका जो बनाने का तरीका वो क्या है दूरी यहाँ पे देखो त्रिज्या होती है त्रिज्या क्या होती है पिक्स होती है कैसे यहाँ पे एक केंद्र यहाँ पे इसमें समझो आप ये जो यहाँ पे ये त्रिजिया ये क्या है पिक्स होगी इसकी तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे हम एक्स और वाई तो आप देख सकते हो ये केंद्र ओ हो गया और ये त्रिज्या ये पॉइंट ए हो गया तो ओ ए की दूरी क्या होगी आपके पास ए इक्वल टू क्या है आपके पास ए है क्योंकि यह त्रिजिया तो ज्ञात करने का तरीका क्या है दूरी का सूत्र लगाओगे आप तो वो लगाएंगे तो ए के बराबर आ जाएगा तो उसी सूत्र से हमने ये इक्वेशन प्राप्त किया है और ये आपको डायरेक्ट भी याद होना चाहिए कि का इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं अब यहां पर ये तो आपने देख लिया लेकिन इसके अंदर आप नोट करोगे स्वे चर कौन कौन से यहां पर आप देख सकते हो एच यहां पर क्या है स्वे चर है ये भी स्वयचर है क्या एवे चर है नहीं ए कॉन्स्टेंट है है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है और अभी हमने देखा भी था कि सबकी त्रिज्या ए होगी यहां पे भी सबकी त्रिज्या ए होगी ए पिक्स हो चुका है ए कॉन्स्टेंट है लेकिन हम अवकलन कितनी बार करेंगे इसका अवकलन करेंगे हम इसका दो बार आपके दिमाग में आ रहा हो कि तीन बार करेंगे तो तीन बार नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे क्योंकि ए यहाँ पे स्वेच नहीं है स्वे चचर हमारे पास क्या है एच और के केवल दो ही स्वेचर है इसलिए इसका अवकलन दो बार करेंगे तो इसका अवकलन करते हैं हम सबसे पहले तो इसका अवकलन करेंगे तो ये इक्वेशन इस तरह से आ गई हमारे पास क्योंकि इसका भी अवकलन कर दिया एक्स के सापेक्ष इस पूरी इक्वेशन का अवकलन एक्स के सापेक्ष किया तो हमें ये इक्वेशन मिल चुकी है और अवकलन करना तो आपको आता है अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से टू यहाँ पे भी टू आ रहा है तो टू कोटा देंगे तो मैं क्या करूंगा ये जो इक्वेशन है इसमें टू का भाग दे दूंगा या आप ऐसा समझ सकते हो मैं यहाँ से टू कॉमन लेकर इसको टाऊंगा तो यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं अब इस तरह से लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ से देखो यहाँ पे टोता था तो टू कॉमन लिया और उसको हटा दिया ये आप ऐसा समझ सकते हो टू का भाग दिया और हमने हटा दिया तो फर्स्ट टाइम अवकलन किया तो हमें क्या मिली इक्वेशन नंबर दो अब यहाँ पे हमने अभी देखा था कि यहाँ पे दो पैरामीटर एच और के तो इसका दो बार अवकलन करेंगे तो एक बार अवकलन और करना है अभी तो इसका अवकलन करते हैं एक बार फिर से एक्स के सापेक्ष तो एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो वाई माइनस के का मान में ज्ञात कर सकता हूँ तो वाई माइनस के ज्ञात करते हैं हम यहाँ पे तो वाई माइनस के का मान आएगा इस तरह से ये अब ये कैसे आए ये तो आपको समझ में आ चुका होगा क्योंकि ये फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार वाई माइनस का के और यहाँ पे वाई का डबल अवकलन है और इस साइड में आपको मिलेगा यहाँ पे आप देख सकते हो जीरो है तो ये यहाँ पे ये जीरो इस साइड में तो ये इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा तो ये जाएगा डी वाई पॉन डी एक्स इसकी पावर है टू और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वन है वन भी पक्षांतरण होकर इस साइड में आ जाएगा अब आप यहाँ पे देखो वाई माइनस के ज्ञात करेंगे हम तो ये वाई माइनस के हो गया और यहां पे माइनस कॉमन लोगे आप तो ये हो गया इस तरह से ये प्लस में हो जाएगा तो मैंने प्लस का वन पहले लिख दिया यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता बाद में लिखो या पहले लिखो और यहां पे इसकी पावर में टू है तो यहाँ पे ये यह इस तरह से बन चुका और नीचे डिवाइड में क्या आएगा जो यहाँ पे गुणा में यानी कि वाई का डबल अवकलन तो वाई का डबल अवकलन हमने यहाँ पे डिवाइड में लिख दिया तो आप देख सकते हो ये इक्वेशन यही ये ये ऐसे इस तरह से आई है तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया वाई माइनस के यहाँ पे ज्ञात कर लिया लेकिन हमें क्या चाहिए वाई के का मान तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा मान लो के का मान तो हमें मिल चुका एच का मान भी ज्ञात करना है तो एच का मान हम यहाँ से ज्ञात करेंगे इक्वेशन नंबर दो से वो कैसे ज्ञात करेंगे तो आप देख सकते हो वाई माइनस के का मान हमें चाहिए और वाई माइनस के का मान तो हमारे पास पहले से है तो हम यहाँ से क्या करेंगे एक्स माइनस एच यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं तो ये जो इक्वेशन नंबर दो है इससे मैं एक्स माइनस एच ज्ञात करूंगा यहाँ पे तो इक्वेशन नंबर दो से मैंने एक्स माइनस एच ज्ञात कर लिया आप देख सकते हो एक्स माइनस एच यहाँ पे एक्स माइनस एच ये क्या है पूरा फंक्शन था इसको पक्षांतरण करके इस साइड में लिख दिया इसलिए यहाँ पे ये माइनस का आ गया है यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पर आप देख लिया कि यहाँ पे मैंने एक्स माइनस एच ज्ञात कर लिया लेकिन यहाँ पे देखो वाई माइनस के आ रहा है यानी कि के तो कॉन्स्टेंट है ये नहीं होना चाहिए तो इसको कैसे हटाएंगे तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे हम इसके अंदर यहाँ पे देखो वाई माइनस के है तो यहाँ पे वाई माइनस के का मान हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पूरा वैल्यू था यहाँ से ये ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया और ये भी माइनस था ये भी माइनस था इसलिए यहां पे प्लस में आ गया इसके साथ तो जरूरत नहीं होती है मिल चुके अब हम क्या करेंगे एक को से देखो आप जो इक्वेशन नंबर एक है इसके अंदर क्या एक्स माइनस एच है इसमें वैल्यू मैं यहां से पुट कर देता हूं एक्स माइनस एच तो यहां से और वाई माइनस के का मान यहां से क्यों क्योंकि यहां पे देखो यहां पे भी के नहीं आएगा एच नहीं आएगा यहाँ पे भी के और एच दोनों हट जाएंगे तो हम ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो आप देख सकते हो ये जो इक्वेशन नंबर वन है इक्वेशन नंबर वन यहां पे देखो एक्स माइनस एच का मान हमने यहाँ पे पुट कर दिया और इसकी पावर टू थी तो मैंने पावर टू लगा दिया देखो यहां पे पावर टू है फिर यहां पे वाई माइनस के का मान हमने पुट कर दिया और यहां पर पावर टू है ये तो सेम का सेम आ गया अब इसको सोल्व करेंगे हम और हमें आंसर मिल जाएगा तो यहां पे आप देख सकते हो ये किससे डिवाइड हो रहा है वाई का डबल अवकलन और वाई का डबल अवकलन और यहाँ पे क्या आ रही है पावर टू आ रही है तो हम इसको किससे गुणा करेंगे वाई का डबल अवकलन से लेकिन इसके साथ में क्या होनी चाहिए पावर टू होनी चाहिए क्योंकि इससे हम इसको गुणा करेंगे इसको इससे गुणा करने का क्या फायदा है ये यहाँ से नीचे से हट जाएगा ये हट जाएगा ये अभी हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखो पावर टू बन रही है तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे इससे इसको गुणा करेंगे तो गुणा करते हैं हम इसको तो गुणा करेंगे तो आप देख सकते हो ये नीचे का यहाँ से हट चुका ये भी यहाँ से हट चुका और इस साइड में क्या हो गया गुणा हो गया यहाँ पे आप देख सकते हो तो इस तरह से हमने इसको हटा दिया अब हम क्या करेंगे इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहां से लेकर यहां तक ये यह पावर टू को भी देख सकते हो आप ये यह पूरा यहाँ पे कॉमन आ रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो वन प्लस डी वाई पॉइंट डी एक्स की पावर टू और इसकी भी पावर टू है यहाँ पे आप देख सकते हो तो ये क्या होगा यहाँ से कॉमन आ तो जाएगा तो कॉमन कर लेता हूँ यहाँ पे तो कॉमन करेंगे तो आप देख सकते हो ये जो पूरा पता है इसको तो मैंने कॉमन ले लिया कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स और इसकी पावर टू तो आप देख सकते हो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पे डी है तो डी वाई एपॉन डी एक्स इसकी पावर टू है और इस साइड में क्या बचेगा ये तो पूरा ही कॉमन आ गया तो कॉमन आ गया तो इसके साथ ये जो पूरा ही कॉमन आ गया तो इसके साथ में क्या है वन है तो यहाँ पे देखो वन क्योंकि वन तो सबके साथ में होता है सबके गुणा में होता है इसलिए यहाँ पे मैंने वन कर दिया अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये ये जो पूरा पद है यहाँ पे ये ये वाला और ये वाला दोनों सेम है दोनों सेम है तो हम क्या करेंगे गुणा करके लिख देंगे इसको तो यहाँ पे टू पावर है यहाँ पे आप देख सकते हो तो ये कितनी हो जाएगी पावर थ्री हो जाएगी तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी पावर थ्री हो गई क्योंकि दो बार ये टू पावर तो ये और एक बार ये तो गुणा हो गया ये कितना हो गया थ्री पावर हो गया तो ये इस तरह से यहाँ पे पावर थ्री आ गई और यहाँ पे ये पद ही ऐसे कैसे आ गया लास्ट वाला तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल नंबर दो को सॉल्व किया आप देख सकते हो कि हमें पैरामीटर कैसे पता चलता है कि जो जिनको हम चेंज नहीं कर सकते यहाँ पे ए को चेंज नहीं कर सकते तो ए को हटाने की आवश्यकता नहीं हम चेंज किस को कर सकते हैं एच और के को हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इसलिए हमने क्या किया एच और के को इक्वेशन से हटाया और एच और के दो अलग अलग चीज़ें तो हमने इसका दो बार अलग अवकलन किया और यहाँ पे ये एल्फा नहीं है यहाँ पे क्या है डी है ये आपको ध्यान में रखना है मिस प्रिंट हो गई है तो इस तरह से हम एग्जाम्पल नंबर दो को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पी नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो ऐप हमारा केरसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ